दूरी बना के रखिए। जो हम लोग डेढ़ दो महीना का समय बीता है उस दौरान बाकी अपराधों में भारी कमी आई थी। अप्रैल महीने में मात्र 3 प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ था और मई महीने में मात्र 5 प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ है और वो सब डिटेक्टेड है, सबको जेल भेजा गया है। इसमें कुछ तो लॉकडाउन का भी असर था और कुछ पुलिसिंग की भी प्रयास थी। पिछले वर्ष में उसी महीने में 30 से ज़्यादा लूट और डकैती घटनाएं घटी थी अप्रैल और मई में। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान कुछ बड़ी चोरियों की घटना हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन था और अपराध नहीं हो रहे थे तो ये घटनाएं काफ़ी हाईलाइट हुई थी और मीडिया में इसका अच्छा कवरेज हुआ था घटना का। इसमें एक घटना जक्कनपुर में हुई थी जिसमें कि बहुत अच्छा लीड हम लोग को मिला था और ये सारी चोरियाँ दिन में हुई थी और विद इन हाफ एन आवर के अंदर ये चोर जाते थे और ताला तोड़ते थे और उसके बाद अंदर से जो भी कैश और ज्वेलरी मिलता था उसे चोरी कर लेते थे। इसमें एक हाई प्रोफाइल चोरी का प्रयास भी किया गया था राजीनगर थाना क्षेत्र में एक माननीय के घर पर, हालांकि उसमें चोरी करने में असफल रहे थे। अब तक लोग इन लोगों ने कुल 8 चोरियों को पिछले 2 महीने में कबूला है और इनकी निशानदेही पर हम लोगों ने काफ़ी जेवर बरामद किए हैं और कैश बरामद हुआ है। लगभग 50 ग्राम के सोने के आभूषण हैं जो कि चोरी वाले हैं, उसके अलावा लगभग 300 ग्राम सोने का आभूषण है, उसको हम लोगों को अपनी पहचान करवाना बाकी है। नगद 1,80,000 रुपये बरामद हुआ है। एक हथियार है पिस्टल जो मोटरसाइकिल चोरी के दौरान इस्तेमाल हो रहा था, तो तीनों मोटरसाइकिल बरामद है। 5 गोलियां हैं, 2 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण हैं और कुछ स्वर्ण जैसे भी आभूषण हैं जो कि अगेन चोरी के ही हैं। तब इन सब का हम लोग विक्टिम से फैमिली से उन सब से TIP कराएंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी हम लोग को अच्छी लीड्स मिली थी, उसका भी हम लोग एविडेंस डायरी में लाएंगे। राजीव नगर, शास्त्री नगर, गर्दनी बाग, श्रीकृष्णापुरी, जक्कनपुर, अगम कुआँ, आलमगंज, इन क्षेत्रों में इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया था। इनका मोडस बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन सेंस ऐसा है कि किसी को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग ये लोग चोर हैं, पढ़े लिखे सब हैं और सब लोग सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। ये लोग रैंडम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, किसी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बढ़िया वेशभूषा में जाते हैं, कोई गार्ड उनको नहीं डाउट करेगा कि ये कोई अपराधी है। अच्छा कपड़ा पहन के जाना, अच्छा गॉगल्स लगा के जाना, टोपी लगा के जाना, बिना नकाब पहने जाते हैं, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। गार्ड अगर रोकता भी है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अच्छा हम 302 मालिक से बात करा देते हैं, और एक्चुअली में इनका जो आदमी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, उसी से बात करा देते हैं, तो वो बोल देता है कि हाँ हाँ आने दीजिए 302 मालिक, तो गार्ड को कोई डाउट नहीं रहता है। होना ये चाहिए गार्ड को खुद फ़ोन करना चाहिए मकान मालिक को, लेकिन ये जो नेग्लिजेंस लोकल लोग करते हैं, इसी तरह से कोई घटना घटी थी छठधाम अपार्टमेंट वाली, मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि एक सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड करती है और एक सिक्योरिटी लोगों को खुद पे भी रखना होता है, तो जहाँ उसमें नेग्लिजेंस आता है वहाँ घटना को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, उसके जो अपार्टमेंट का ताला बंद दिखा उसको टारगेट करते हैं, 15 मिनट में जो मिला सामान उसको लेकर बाहर निकलते हैं। इस तरह से इन लोगों ने बहुत चोरियाँ की। इन लोगों ने अभी तक जो हम लोगों को बताया है लगभग इन लोगों ने 12 लाख का आभूषण बेचा है। हम लोगों ने जो अभी बरामद किया है
और 50 ग्राम सोना का मतलब हुआ आज की डेट में 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया कैश है, लगभग 4 लाख का बरामदगी हुआ है। 200 ग्राम सोना है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा, वो भी कुछ पैसा है। तो सब अभी बरामदगियाँ नहीं हो पाई हैं और रेट्स चल रहे हैं। 2-3 रिसीवर का नाम इन लोगों ने और बताया है, इसके ऊपर रेट्स चल रही हैं और वो फरार हैं, तो उससे भी बरामदगी नहीं हो पाई। इनके 2 और साथी हैं। टोटल अरेस्टिंग 6 है, जिसमें से कि 4 चोर हैं, 1 रिसीवर है और 1 व्यक्ति और है जो इन लोगों का पैसा इधर उधर हैंडल करता है। सबको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। अब तक इन लोगों ने 18 चोरियों की घटना को 2019 और 20 की कुबूला है बरामदगी। 8 केसेस रिलेटेड हुई, ये 8 केस वो हैं जो कि लॉकडाउन में इधर 2 महीने में हुए थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन सब किया, पढ़ा लिखा है, इंटर है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर और लोगों का व्यवसाय भी है, कोई कपड़ा की दुकान में काम करता है, किसी का अपना कोई बिजनेस है, कमाई का कोई लिमिट नहीं है। आपराधिक इतिहास नहीं है अब तक तो नहीं था, अब तक इन्होंने बोला है कि अब तक हमें कोई जेल नहीं गया। सभी की गिरफ्तारी किन किन थाना क्षेत्र से? जतनपुर थाना से गिरफ्तार हुए और बाद में फिर रेड हुआ है, कदम कुआं एरिया में रेड हुआ और सुल्तानगंज एरिया में रेड हुआ, जहाँ से रिकवरीज हुई हैं। जिन रिसीवर्स के यहाँ लोगों ने भेजा था, इन लोगों का घर भी सर्च हुआ, हाउस सर्च हुआ, वहाँ से भी कुछ ज्वेलरीज मिली, वहाँ से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। जहाँ बेचा इन लोगों ने, उन दुकानदारों पर भी पुलिस दबिश दे रही है? उनमें से वही बताया मैंने, एक दुकानदार गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल भेज रहे हैं, दूसरे के बारे में पता चला था वो फरार हो गया है, उसके हम लोग कार्रवाई करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.